नमस्कार दोस्तों, इजी लॉशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि वो कौन से तीन मैजिकल वर्ड्स हैं जिसके बोलने के बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है। दोस्तों वो वर्ड्स हैं अरेस्ट इंस्टेड। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी इंसान के खिलाफ झूठी FIR दर्ज हो जाती है तो उसके पास क्या रेमेडी बचती है कि वो उस FIR से निकल जाए, और अगर वो FIR सिर्फ उसके खिलाफ दर्ज है तो वो उस FIR को ख़त्म कैसे कराए। दोस्तों मैं एज एन एडवोकेट कोर्ट में देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो झूठे मुकदमों में सालों तक कोर्ट में घूमते रहते हैं, और अगर मुकदमा फौजदारी हो, कोई FIR दर्ज हो रखी हो, तो वो उनकी जिंदगियां तक बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट का कज़न जो कि पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, जो उसने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद ज्वाइनिंग से पहले जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है उससे जस्ट पहले उसका नाम एक FIR में जो है किसी ने झूठा लिखवा दिया, जिसके कारण वो उसको नौकरी को ज्वाइन नहीं कर पाया। तो दोस्तों आप ऐसे मामलों से कैसे बच सकते हो? जब किसी इंसान के पास कई बार ऐसा होता है कि भाई अपनी बेगुनाही के सबूत तक होते हैं तो भी पुलिस जो है उसका नाम FIR में डाल देती है कि भाई ये सालों तक जो है परेशान रहेगा, कोर्ट में घूमता रहेगा या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आएगा। तो दोस्तों ऐसे लोग, ऐसे जो बेगुनाह लोग हैं जिनके पास अपनी बेगुनाही का सबूत है, वो लोग हाई कोर्ट में ये पिटीशन 482 लगा सकते हैं। धारा 482 की पिटीशन लगाने के बाद वो जो है अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसका जो है कोई इस क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये FIR जो है गलत तरीके से दर्ज हुई है, तो वो उस FIR को क्वैश कर सकते हैं या फिर पिटीशनर का नाम FIR से काट सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर पिटीशन जो है पेंडिंग है और डिसाइड नहीं हुई है तो कोर्ट जो है ऑर्डर पारित कर देता है कि भाई जो डिस्पोजल है टिल डिस्पोजल अरेस्ट इज स्टेड, और ऐसा ऑर्डर पारित होने के बाद अगर आप पुलिस को बताते हैं कि भाई आपका अरेस्ट स्टे कर दिया गया है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। थैंक यू।